हेलो आप सभी को मेरे प्यार में नमस्कार। मेरा नाम मुकेश, तो स्वागत है आपके मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जाए इसके हैं लोटस टेम्पल, इसको बोला जाता है कमल मंदिर के नाम से, और इसका एक नाम और है भव्य उपासना मंदिर है, और ये मंदिर 20वीं सदी का मंदिर है। आज साथ में मेरे सुरेंद्र और विक्रम भाई साथ में हैं, तो हम लोग का भी फर्स्ट टाइम है इस मंदिर में। तो इस चीज़ में, इस मंदिर में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, हम सब लोग आपको दिखाएंगे। उसकी गेट की एंट्री है सुबह 8:30 बजे से लेके 6 बजे तक ये खुलेगा गर्मी के टाइम पे, और ठंड में है 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक इसकी एंट्री क्लोजिंग हो जाएगी। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो सोमवार के दिन कभी मत आइए, बोले तो मंडे को यहाँ सब क्लोज रहता है इस मंदिर पे, और हो सके तो मंगलवार बुधवार और टाइम आ सकते हो यहाँ पे। दोस्तों दिल्ली में देख सकते हो सब लेडीज इलेक्ट्रिक ऑटो चला रही है यहाँ पे, देखो कुछ सीखो इन लोगों से। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऑटो में आएंगे तो आपको लूट देंगे ऑटो वाले, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको ई रिक्शा में आना, इसमें 10 रुपये सवारी है एक बंदे की। तो विक्रम भाई ने हमारे ले लिया आइसक्रीम, तो ऐसे इतना मज़ा लेंगे अब हम। ये रहा भव्य उपासना मंदिर का मेन गेट। ये यहाँ पर है मेन एंट्री, यहाँ से लोग जाते हैं अंदर को। ये सामने से रहा हमारा लोटस टेम्पल, दो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ये देखो दूर से तो काफी सुंदर दिख रहा है। ये रहा देखो दोस्तों, लड़के लोग सवार के। ये यहाँ पर है सूचना केंद्र, आपको सारी सूचना मिल जाएंगी इस मंदिर के बारे में, भव्य मंदिर के बारे में, कमल मंदिर के बारे में। तो यहाँ पर जाने की एंट्री है फिलहाल तो यहाँ भी फोन वोन चलाना अलाउड है नहीं। तो देखो इसके सामने ही है मंदिर, यहाँ पे सब पास आ चुके हैं हम, और ये देखो काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। बोल रहे थे पहले यहाँ से एंट्री थी, और ये एंट्री हो चुकी है बंद, अब हमें घूम के जाना पड़ेगा ये इधर से वो पीछे की तरफ। तो चलते हैं अब आई की तरफ, देखते हैं कुछ नई चीज़ें। मज़ा आ रहा है ना आज घूमते हुए, सुंदर से लग रहा है इसको, मौसम बढ़िया है। धूप की वजह से बहुत गर्मी है यार, आज दिल्ली में आज काफ़ी गर्मी है, पसीने से लथपथ हो चुके हैं हम लोग। बस देख सकते हो दोस्तों दूर दूर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, सारे धर्म के लोग, ये देखो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से लेके वो वहाँ तक, पूरी लाइन ही लाइन है। जगमू उछा जो तुम क्रीम पाउडर जन लगाया दीदी, तो पर पूरा कलर तो रजा मुख, तो जैसे हमन लगा रो मेकअप और सुंदर लगा रची है, तो सब रंग उतर गए ये सुंदर, तो सब रंग उतर गुने। तो यार देखो ये ज़्यादा भर नहाती, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है। तो थोड़ा बहुत जदूक ले पहाड़ियों सब तुमको मैं बताया है। तो यहाँ पर एक थैला लेंगे भैया, मंदिर के अंदर जाने के लिए हमें एक मिल चुका है थैला, इस थैले में हम अपने जूते चप्पल रखेंगे ताकि मंदिर के अंदर कोई गंदगी नहीं हो, तो हम सब लोग अपने जूते इसमें रख लेंगे। थैले में हमने जूते चप्पल रख लिए हैं, और विक्रम भाई जूते चप्पल आप रख देंगे काउंटर पे जमा करने, विक्रम चलो चले। देखो दोस्तों लाइन ही लाइन, भाई धर्म एक स्वतंत्र विश्व धर्म है जिसका उद्देश्य है संपूर्ण मानव जाति की एकता से विधर्म। इस धर्म के संस्थापक बहावला हैं जिन्हें विश्व का श्रेयदार मानते हैं। अभी आप सभी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे जहां सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बैठ के शांति से प्रार्थना दुआ मनन कर सकते हैं अपने धर्म के अनुसार जिस देर चाहे। उसके लिए प्लीज आपको अपना मोबाइल फोन साइलेंट करना होगा, अंदर आपको बातचीत फोटोग्राफी वीडियो नहीं करना है मना, और माताओं से खासकर निवेदन है कि वो अपने प्यारे बच्चे। तो हमने सोचा यहाँ पे पूजा पाठ इस टाइप की कोई चीजें होती होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ शांति के लिए आते हैं लोग, शांति के लिए आते हैं, सारे धर्म के लोग आ सकते हैं यहाँ पे, वो तो कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सारे धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हो, और यहाँ पे पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल एक शांति के लिए लोग आते हैं यहाँ पे दूर दूर से। तो हमें आज यहाँ पर आके बहुत अच्छी शांति मिली, सुकून मिला,
एक मन जो था वो हल्का हो गया। लेकिन हमारे उत्तराखंड में देखा जाए तो काफ़ी पूजा पाठ होती है, मैंने सोचा उस टाइप का कोई चीज़ होगा यहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं था। 1980 में इसका निर्माण हुआ था इस मंदिर का, और ये मंदिर एक शांति का मंदिर है। इस जगह में आके आप लोग पूजा पाठ ये सब नहीं कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ शांति के लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, सारे धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ सब चीज़ होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही इस मंदिर पर ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर लोग दूर दूर से इसलिए आते हैं कि शांति के लिए, और हम लोग भी आज पहली बार आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा सुकून मिला। अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हो तो कालका जी नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, उसके पास भी कमल मंदिर पड़ता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और काफ़ी सुकून मिलेगा आपको, बहुत शांति मिलेगी, और देख सकते हो पीछे बहुत लोग आ रहे हैं। तो मेरे पहाड़ वालों, मेरे उत्तराखंड वालों, आप ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप जिस जिस जगह पर रहते हो तो यहाँ पर आओ, अपनी फैमिली को लेके आओ, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और अगर आपको, आप अगर नहीं ला सकते अपनी फैमिली को, तो हमारे ब्लॉग के जरिए अपने मम्मी पापा को दिखाइए वीडियो, और काफ़ी अच्छा मंदिर है और काफ़ी सुकून मिलेगा आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हमारे सुरेंद्र भाई को भी, और विक्रम भाई हमारे आर के हैं झारखंड से, हमारा ही पड़ोसी देश उत्तराखंड का। तो दोस्तों, हमें मंदिर घूम के बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा भी आया। तो मैंने जो जो चीज़ देखी मैंने आप साथ में सब शेयर कर दिया है। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करेगा, घंटी बजाना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।